चार पांच पीढ़ी को देखे हुए पेड़ है, मतलब कम से कम 150 साल पुराना पेड़ होगा। नहीं भी हम भी नारियल तोड़ते हैं। तो गाइज यहाँ पे कन्या पूजन का कार्यक्रम चल रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। वैभव जी, हम लोग अभी छोड़ के भंडारे का चाट खाने आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? टेस्ट क्या किया अभी? टेस्ट नहीं। सो है व्हाट्सअप ऑल गाइज, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज है नवमी और आज होगा कन्या पूजन, बाकी सारा चीज। तो अभी हम लोग नहा के फटाक से रेडी होते हैं, अभी थोड़ा सा हमें सर्दी हो गया है, और चलते हैं सीधा पूजा करने भगवान का, वहीं आपसे मिलते हैं। तो गाइज अभी हम पूजा करने आए हैं। ए सामने सामने पूरा सामने, उनके पीछे जाओ, चलो पूरा ना, पानी वही में गिरा दो, पानी वही में गिरा दो, जाओ वहां पर फोर क्या था। देखो और पटक दे, हो गया है, फूटा हुआ है। एक और पटक लो उज्जवल, वही वहाँ पे क्या हुआ, कैसी बचल है? चलो अभी पूजा करने के बाद हम लोग आए हैं अपने बड़म बाबा के पास, जैसा कि देख सकते हैं इनका भी बहुत सालों से पूर्वजों से पूरा पूजा हो रहा है। ये जो पेड़ है ना, हमारे चार पांच पीढ़ी को देखे हुए पेड़ है, मतलब कम से कम 150 साल पुराना पेड़ होगा। नहीं विश्वास है आपको अगर, तो कहीं से भी हमारे गांव के लोग से भी पूछ सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। 150 साल से तो कम नहीं होगा, 150 से 200 साल ये पेड़ का उम्र होगा, आपको देखने से पता चल रहा होगा। पेड़ देख रहे ना कितना डेंजर लग रहा है, इसका जड़ यहाँ से 500-500 मीटर दूर तक है, मतलब यहाँ से जो जगदम्बा स्थान है 150 मीटर दूर, वहाँ भी इसका जड़ है जमीन के अंदर अंदर से, समझे? आजो 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 आजो, हाँ रुक जाएगा, था ब्लॉक बन जाते, आओ बता, तुम करो ना पहले। उज्जवल सिंह ब्लॉक बताओ उसके बारे में, क्या ही देखिए, मेरे गांव का एक अजूबा लड़का है जो कची कहल जाता है, पेड़ के डाली को लेके घूम रहा है, गिरेगा तो चार पीस में बट जाएगा, लेकिन दिस इज कॉल्ड वायलेंस, जो आपके पास में है वो उत्साहित होगा बगल वाला, देखिए ना उसके। तुम कर रहे, अरे 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 अरे, ओहो। तो गाइस यहाँ पे कन्या पूजन का कार्यक्रम चल रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चा सबको खाना खिलाया जा रहा है, बच्चा सब वही जो भी समझे आप। तो गाइस कन्या पूजा का कार्यक्रम हो गया, उसके बाद सबको वहाँ पे मतलब जितना कन्या सब थी उन सबको को खाना खिलाया गया, चुनरी दिया गया, 10-10, 20-20 रुपया मतलब जिसको जितना था वो दिया, उसके बाद सब वहाँ पे सब अब खा लेगा, उसके बाद क्या कहा जाता है हवन का कार्यक्रम होगा। उससे पहले अभी हमको कहीं जाना है इसीलिए घर जा रहे हैं, तो वहाँ से आते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं कि हवन का कार्यक्रम क्या होता है। तो गाइज आज अभी जा रहे हैं हम लोग, आरती हो चुका है लेकिन प्रसादी जाके खा लेते हैं, और दिन भर आज हम कुछ ज्यादा ही व्यस्त थे अपने काम में, पर्सनल कामों में कहीं कहीं गए हैं और काफी ज्यादा मेहनत का काम था, तो आज दिन में सोए भी नहीं है। तो आज रात में हमारे इधर प्रोग्राम है, सिंगर आने वाला है, तो देखिए अब रात भर देख पाते हैं कि नहीं, नींद लग जाएगा कहीं कि क्या होगा, तो रात में पता चली। चलिए फिलहाल चलते हैं वहीं पे। हाँ अरे बोल रहे हैं, बोल तू, और बोल, आज जागरण होगा 102 बजे तक, तो सारा घंटा सोएंगे। तो गाइस कुर्ता पजामा पहन लिए हैं, ऊपर से नीचे तक देख सकते हैं, बढ़िया लग रहा होगा। गौरव जी ब्लैक पहन लिए, हम लोग जा रहे हैं अभी प्रोग्राम देखने, चलिए फिर। समय से पहले हमारे यहाँ पधारे, इनके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद, और अशुतोष कुमार देवू जी जो हमारे जब भी जरूरत पड़ती है इनको पढ़ना नहीं पड़ता है, ये खुद आ जाते हैं। यहाँ पे का भंडारा मिल रहा है, पीढ़ी का भंडारा चल रहा है, चाट का भंडारा, पीढ़ी का भंडारा है, क्या कहो जी भंडारा के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? रखना है, भंडारा चल रहा है, आप लोग भंडारा में खाइए, चाट के पीढ़ी में।
हम लोग अभी छोड़ के भंडारे का चाट खाने आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? टेस्ट कहाँ किए अभी? टेस्ट नहीं किए हैं, टेस्ट करिए। एक्सक्लूसिव फुटेज उज्जवल सिंह ब्लॉग्स पे आप देख रहे हैं, बढ़िया नहीं है? थोड़ा सा हमको भी टेस्ट करने दीजिए। एक चम्मच मिला के खाइएगा तब ना बढ़िया लगेगा, ऐसे तो एक गत के ना लगेगा। एक हो गया यहाँ है गाइस। अभी तो कल रात को मैं फिलहाल अपने घर आ गया था, और ऊपर से हम लोगों का मतलब पूरे गांव का सर्दी हो गया है, खांसी हो गया है सबको, और सबका गला बैठा है, क्योंकि जानते हो गाइस अचानक वेदर चेंज हो गया। ऊपर से दिन भर गर्मी रहता है और रात को ठंड लगता है, इतना ठंड लगता है कि रात को आप फैन भी नहीं चला सकते हो। तो इसी वजह से तो यह ब्लॉग काफ़ी एक दो दिन बाद आया है, आएगा मतलब कि, तो आप लेकिन चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के बन जाइए इस फैमिली का हिस्सा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी टेस्ट जो टाटा बाय बाय।